पीरियड के कारण फेस पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर हो गया है, समर सीज़न होने के कारण फेस पे बहुत ही ज़्यादा टैनिंग भी हो गई है। तो चलिए ये वाला स्किन केयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं हिमालय का फेस वॉश ले रही हूँ और इसे मैंने अच्छे से फेस वॉश किया है। अपने वेट फेस पे ही मैंने ये एवर यूथ का स्क्रब अप्लाई किया है और इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे जेंटली रब करके अच्छे से फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर फेस को वॉश किया है। स्किन कितनी सॉफ्ट लग रही है स्क्रब करने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बायोटिक का फेस पैक ले रही हूँ एंड इसके अंदर मैंने चुटकी भर नीम पाउडर ऐड किया है ताकि मेरे पिंपल्स पे भी ये वर्क करे। बेसिकली ये जो फेस पैक है ये टैनिंग को रिमूव करता है, लेकिन पिंपल्स होने के कारण मैंने इसमें नीम पाउडर मिलाया है ताकि मेरे पिंपल्स पे भी वर्क करे। 20 मिनट के बाद मैंने इसे अपने पूरे फेस पे छोड़ दिया है। सूखने के बाद इसे अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश किया है। यहाँ पे फिर मैं अपना अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। ये भी ब्रांड बायोटिक का ही है, दनिया मार्स का। ये लिप बाम यूज़ कर रही हूँ एंड इस रूटीन को आप वीक में 2 टाइम फॉलो कर सकते हैं।